हेलो ट्रैवल नॉनस्टॉप फैमिली, क्या हाल चाल है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाए थे खड़ौता हिल व्यू पॉइंट से धौलाधार श्रृंखला के खूबसूरत नज़ारे, और आज की वीडियो में उसी की कॉन्टिन्यूएशन है, जहां हम आपको घुमाएंगे मैक्लॉयडगंज की गलियों में और दिखाएंगे बेस्ट कैफ़े। उसके साथ साथ तिब्बती स्टफ़ की ख़रीदारी कहाँ से करें और उसके लिए आपके पास क्या विकल्प हो सकते हैं। सो स्टे ट्यून टू ट्रैवल नॉन स्टॉप। और अभी के लिए तो हम जल्दी जल्दी मैक्लॉयडगंज की मार्केट से होते हुए भाग रहे हैं एक अच्छे से कैफ़े में, जहाँ पे हम अपनी सुधा शांत कर पाएँ। सो गाइज, वी आर जस्ट ऑन आवर वे टू मैक्लॉयडगंज और हम बस पहुँच रहे हैं। आप सोच रहे हो कि गाड़ी में क्यों नहीं है और पैदल क्यों है, बिकॉज बहुत रश लगा हुआ है। देखो, आप मेरे पीछे देख सकते हो, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैक्लॉयडगंज पहुंचते ही हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो हम आ गए जिम्मीज इटालियन किचन में। एंड दिस कैफ़े इज़ जस्ट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ मैक्लॉयडगंज मार्केट। जब भी आपकी ख़रीदारी पूरी हो जाए तो आप जल्दी से यहाँ आ सकते हो। एंड द व्यूज़ फ्रॉम दिस कैफ़े आर प्रिटी गुड एंड कूल। द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ की विंडो, जहाँ से मैक्लॉयडगंज के नज़ारे दिखते हैं, और यहाँ पर रूफटॉप सिटिंग भी अवेलेबल है, विच इज़ इक्वली गुड। बट गाइज, डू कीप योर बिलोंगिंग सेफ, बिकॉज यहाँ बहुत सारे बंदर घूमते हैं, जैसे कि आप देख सक रहे हो। सो कीप योर बिलोंगिंग सेफ। एंड द विंडो से जो व्यू है भाई, उसके तो क्या ही कहने हैं। यहाँ आकर हमने खाया बहुत सारा खाना, जिसमें हमने खाया थिन क्रस्ट पिज्ज़ा, जिसके लिए जिमीज इटालियन किचन जाना जाता है। एंड अलॉन्ग विद दैट हमने पिया मिनस्ट्रॉम सूप, और डेजर्ट में खाया चॉकलेट ट्रफल केक। तो आप यहाँ से देख सकते हो। ट्रैवल नॉन स्टॉप फैमिली, अभी हम आ गए हैं जिम्मीज़ किचन, और बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस कैफ़े है मैक्लॉयडगंज। आई एम श्योर जो हमारी तरह कुछ लोग घुमक्कड़ होंगे और यहाँ आए होंगे, वो शायद यहाँ पे आए भी हों। अभी मनीषा जो फिलहाल ट्राई कर रही है वो सूप ट्राई कर रही है, मिनस्ट्रॉम सूप, एंड आई एम अ बिग टाइम लवर ऑफ मिनस्ट्रॉम सूप, एंड द सूप इज ऑसम। इट्स फुल ऑफ मशरूम, ब्रोकली, स्पिनच। एंड जिम्मीज किचन में हमने एक और चीज़ ट्राई करी, विच वॉज पिज्ज़ा। इट इज़ नोन फॉर इट्स पिज्ज़ाज, पास्ताज। हमने अल्फ्रेडो पास्ता ट्राई किया, आई थिंक इट वॉज गुड, एंड इट वॉज अमेजिंग। और हमने ट्राई किया इसकी रेवियोली, दैट वॉज इक्वली गुड। और इसके साथ साथ हम अभी, मैं सूप पी रही हूँ और ऋषिका खा रहा है, ऋषिका का केक, my favorite, always meetha, and it's basically chocolate truffle cake, so he's a big time lover of sweets, to ise to bahut zyada pasand hai sweets, so we just love it, so come to Jimmy's kitchen and sab try karo McLeodganj. Ek cheez aur, jab aap McLeodganj aaoge aur Jimmy's kitchen ki is window se bahar dekhenge, jab ye jo abhi aap dekhoge mere time lapse mein, kya amazing view hai yaar, matlab बहुत ही सही, पूरा मैक्लॉयडगंज दिख रहा है आज। बाय लकली मौसम बहुत अच्छा है, तो बादल बादल भी बहुत दिख रहे हैं। और अभी हम आपको कैफ़े का टूर भी कराते हैं छोटा सा, तो आपको खुद पता चल जाएगा। और अगर आप अभी तक जिमीज किचन नहीं आए हैं तो जल्दी ट्राई करना, जब भी मैक्लॉयडगंज आ रहे हो मस्ट मस्ट विजिट जगह है, ठीक है। पता है ऋषि, ये जो लेन है ना, यहाँ पे ना मोमोज तो बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। अभी हम घूम रहे हैं मैक्लॉयडगंज की गलियों में, और यहाँ पे मोमोज ही मोमोज है, मोमोज ही मोमोज है। सो गाइस, रात होने वाली है और यहाँ पर फैमिली रेस्टोरेंट भी है, हाउस ऑफ टिबेट कैफे है, पापा विस्की विच इज ब्रूरी, एंड स्काई बार इज वेल। यहाँ लाइव म्यूजिक चल रहा है, इधर इधर इट्स ऑलरेडी गोइंग। सो जो एंटीक और सुवेनियर्स लवर हैं, ज्वेलरी लवर हैं, यू विल फाइंड ज्वेलरी लाइक दीज इन मैक्लॉयडगंज। एंड
इट्स रियली यू नो ऑस्ट्रक वाली फीलिंग आती है. मैं तो मुझे तो अपना पता है, मैं तो जहाँ पे भी ये सब एंटीक ज्वेलरीज और ये यू नो फैंसी स्टफ देखती हूँ मैं रुक जाती हूँ और ऋषि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पिस ऑफ होता है बिकॉज मैं खो जाती हूँ. आई जस्ट बहुत गंदा लगता है. एज ऑल ऑफ यू नो के मैक्लॉयडगंज इज नोन फॉर इट्स हिप्पी कल्चर, सो यू वुड फाइंड दीज हिप्पी क्लोथ्स. भैया वो पजामा दिखाना. एंड मैं जब पिछली बारी आई थी तो आई टुक दिस पजामा फॉर माई मदर इन लॉ बिकॉज शी फील्स रियली कम्फर्टेबल. भैया दूर से दिखाओ, आप व्लॉग में आ रहे हो है ना, और कलर्स दिखाओ. हमारी गाइज जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है, हमारी फीमेल ऑडियंस भी है, उन्हें भी देखना है. पिंक कलर दिखाओ, ब्लू दिखाओ, कुछ फंकी कलर्स देखो. ऐसे दीज लुक वेरी कूल व्हेन यू आर गोइंग टू मैक्लॉयडगंज और कसौल और मनाली, यू विल गेट स्टफ लाइक दिस. और दिखाओ एक वो पिंक वाला दिखाओ. या सो आई जस्ट लव स्टफ लाइक दिस, दिस इज सो कूल. और इसके साथ आप ऊपर एक ऐसा श्रग ले सकते हो. भैया ये वाला श्रग दिखाओ. हाँ लाइक दिस. अच्छा कुछ में तो मैचिंग ही आ जाता है, यू विल गेट अ श्रग एंड यू विल गेट अ पजामा. सो इफ यू कमिंग टू मैक्लॉयडगंज भैया की शॉप पे जरूर आओ. भैया की शॉप का नाम है मैक्लो फैशन. सो ट्रैवल नॉनस्टॉप फैमिली, आपको दिखेंगे यहाँ पे बहुत ही कलरफुल कपड़े. दिस इज़ फॉर स्पेशली फॉर आर फीमेल ऑडियंस जो कि ऑस्ट्रक हो जाती है बिल्कुल देखते ही कपड़े, जैसे कि मैं हो जाती हूँ. अच्छा और यहाँ पर ये जो शॉल्स हैं ये भी वो ऐसे ही मिलेंगे आपको उसी प्रिंट में, जस्ट लाइक हिप्पी कल्चर. अच्छा वो पिछली बारी जब मैं आई थी तो आई टुक अ मग फ्रॉम अकामा, या ये चाइनीज पॉटरी जो कि आप देख सकते हो बिकॉज द फोटोग्राफी इज़ नॉट परमिटेड इन सम शॉप्स और वीडियोज. So I'm just showing it to you from outside. So आओ जल्दी से मैक्लॉयडगंज, जल्दी से ट्रिप प्लान करो एंड डू विजिट मैक्लॉयडगंज वेरी सून. अच्छा मैं कैप्चर नहीं कर पाई बट जो ये हिप्पी प्रिंट्स हैं इसी की आपको सॉक्स भी मिल जाती है यहाँ पे एंड दे आर वे टू वॉर्म. सी हाँ मैं इस कटलरी की बात कर रही थी. आई होप लुकिंग एट माई व्लॉग समबडी डज रिमेम्बर कि मैंने किसके लिए कप लिया था ये वाला. शी इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड यू शैल सी हर सून इन आर व्लॉग्स. एंड दिस इज किमोनू आई थिंक, सो दिस इज किमोनू. या यू विल फाइंड वैरायटी ऑफ प्रिंट्स ऑफ किमोनू आउट हियर. चल चल के हम इतना थक गए थे कि हमें तो लगने लग गई फिर से भूख और हम जल्दी से आ गए जिमीज कैफ़े एंड बेकरी में जो कि सिस्टर ब्रांच है जिमीज इटालियन किचन के. लेट मी टेल यू इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैफ़े इन द टाउन एंड देयर केक्स आर लाइक टेकिंग अ बाइट ऑफ हेवन, लाइक सीरियसली सो गुड. मस्ट ट्राई द शेक्स टू एंड चेक आउट द ब्रेकफास्ट मेन्यू एज वेल फॉर विच द जिमीज कैफ़े एंड बेकरी इज नोन फॉर. But if you've got tooth for cakes and their chocolates and cheesecakes and banoffee pies are must try. So come and try with us. Hi auntie, how are you? Okay, tell me one thing. I went to Jimmy's Italian kitchen. I came to Jimmy's kitchen. How is it different? See, Jimmy's Italian is there's all the Italian dishes. Okay. And there is a Jimmy's Asian is there. Huh. There you get Jimmy's Asian foods. Exactly. So here we have the Jimmy's Cafe. Uh-huh. It's pastries, coffee, drinks. Okay. And how old is this cafe? This cafe is more than 10 years. So, yeah. Okay. Okay, and how is it going? Are you liking it? Yeah. I'm seeing you here for the second time. I came previously also and I just saw you and your son. Okay. I really appreciate you, Andy. You're running a beautiful cafe here in McLaughlin. That is single-handedly. That's amazing. That's incredible. And
ओके आंटी, थैंक यू, इट वॉज नाइस हैविंग अ वर्ड, थैंक यू. इतने अमेजिंग ब्लॉग के बाद मैक्लॉडगंज की अच्छी सी जर्नी आपको दिखाते हुए हम ब्लॉग को कर रहे हैं यही एंड. सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. Stay tuned to Travel Nonstop. And goodbye. मिलते हैं next vlog के साथ और हम बहुत ही interesting जगह जा रहे हैं अगले वाले vlog में. तो stay tuned and bye bye.